नज़र आ गया है और ईद उल फितर 24 मई 2020 को होगी। तमाम अहले पाकिस्तान को, पूरी कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करता हूँ। शवाल अल मुकर्रम का चांद नजर आ गया। ईद उल फितर आज मजहबी जोश व जज्बे से मनाई जाएगी। चेयरमैन मरकजी रुयत हिलाल कमेटी मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने ऐलान कर दिया। अवाम से गले ना मिलने और जबानी मुबारकबाद देने की अपील। माहिरीन तिब कहते हैं मिलने से मुआनफे का, मुसाफे का ये बाद में अदा कर दीजिएगा। अल्लाह करे कि ये खतरा, ये आफत, ये मुसीबत टल जाए। फवाद चौधरी की कोई हैसियत नहीं है, हमने शरीयत के मुताबिक फ़ैसला किया। फवाद चौधरी को मुदाखलत फ़ी दीन नहीं करनी चाहिए और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से हम मुतालबा करते हैं कि उनको मुदाखलत फ़ी दीन से रोकें। मुफ्ती मुनीबुर रहमान के वफाकी वजीर फवाद चौधरी पर शदीद तनकीद। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हम फैसले शरीयत के मुताबिक करते हैं, फवाद चौधरी की कोई हैसियत नहीं, वजीर आजम उन्हें मुदाखलत से रोकें। अमरीका, कैनेडा, मुत्तहदा अरब अमारात और सऊदी अरब समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में ईद उल फितर आज मनाई जाएगी। मस्जिद उल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज ईद में आम शहरियों को शिरकत की इजाज़त नहीं होगी। भारत और बांग्लादेश में चांद नजर नहीं आया, ईद पीर को मनाई जाएगी।